नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम, मैं हूं आपके साथ राजीव ढौंडियाल। और गंगा प्राइम की शुरुआत करने से पहले 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज है बीजेपी का स्थापना दिवस। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घरों में ही कार्यकर्ताओं से स्थापना दिवस मनाने की अपील की। कहा, कोरोना के चलते पार्टी नहीं करेगी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। शामली में कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। जमात से जुड़े हुए सभी 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव। अब तक 8 लोग शामली में कोरोना पॉजिटिव। थाना झिंझाना इलाके में छिपकर रह रहे थे 14 लोग। घर में लॉकडाउन के चलते फंसे अमेरिकी नागरिकों को भेजा जाएगा उनके देश। विशेष चार्टर विमान से भेजे जाएंगे अमेरिकी नागरिक। ऋषिकेश और देहरादून में फंसे हैं अमेरिकी नागरिक। मेरठ में 8 मौलानाओं को जारी किया गया नोटिस। सभी पर जमातियों को शरण देने का आरोप। आश्रय स्थल से बाहर आने पर जमातियों पर की जाएगी कार्रवाई। संगम नगरी में पीएम की अपील पर लोगों ने दिखाई एकजुटता। इंटरनेशनल फेम डांसर सोनाली चक्रवर्ती ने किया ढीडिया डांस। सिर पर आग रखकर कर्तव्य किया। शामली में भी पीएम की अपील का हुआ पालन। लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। महिलाओं ने वायरस को भगाने के लिए गाया गीत। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। तबलीगी जमात से जुड़े 1499 लोगों को किया गया चिन्हित। 12 से ज्यादा को किया गया क्वारंटीन। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। गाजियाबाद में महामारी से बचने के लिए डासना जेल में सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण। कैदियों और जेल कर्मचारियों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए ये अनोखी पहल। बुलंदशहर में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने तैयार किया रोबोट। महामारी के दौरान रोबोट मरीजों के नजदीक जाकर दवाई और जरूरी सामान पहुंचाएगा। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कृष्ण नगरी मथुरा में साफ हुई यमुना। फैक्ट्रियां बंद रहने के कारण प्रदूषण कम। ब्रजवासियों ने जताई खुशी।